अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में चैप्टर 4 बेसिकली स्टार्ट करना था, लेकिन उससे पहले ये वीडियो मैंने का बना दूं, क्योंकि अब देखो चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन से रिलेटेड है, सही है। और आम तौर पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आई है, या जो अलग इक्वेशन आई है उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, ज़्यादातर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डील किया, लेकिन आपको इस तरह भी इक्वेशंस मिलेंगी। अब चैप्टर इक्वेशंस का था, इसलिए मैंने कहा जिस टाइप की भी इक्वेशन है जो कैलकुलेटर में आप निकाल सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूँ, सही है। तो इस वीडियो में हम सिंपल ये करेंगे किस तरह इक्वेशन को हम कैलकुलेटर के जरिए से सॉल्व करेंगे, सही। इन शॉर्ट ट्रिक जो कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे, इसका फ़ायदा ये कि अगर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो उसके बाद जब अपना आंसर आप चेक करोगे तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो आसानी से। आप चेक करो, अगर आपका आंसर मैच कर रहा हो कैलकुलेटर से तो आप खुश हो जाना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका सवाल वहीं ठीक हो गया पूरा, मतलब अपने आपको 5 नंबर दे सकते हो आप, सही है। तो ये फ़ायदा होता है कैलकुलेटर के जरिए से सॉल्व करने का। सिंपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। अब सवाल ये कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है, सही है, मैक्सिमम पावर 1 होती है। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर भी होती हैं, 1 वेरिएबल के अंदर भी होती हैं। ये 2 वेरिएबल के अंदर है x और y, ये 3 वेरिएबल के अंदर है x, y, z, और 1 वेरिएबल के अंदर ये वाली हो सकती है, सही, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सही है। तो ये वाली मैं डील नहीं कर रहा, इसका कोई मुश्किल नहीं है। इस वाली इक्वेशन को जो 2 वेरिएबल के अंदर हो और 3 वेरिएबल के अंदर हो, इसको कैलकुलेटर के जरिए से किस तरह हम सॉल्व करेंगे। देखो ये जो एग्जांपल है, मैंने आपकी जो 4.4 है ना मैट्रिक्स वाली, उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उससे पिक किए हैं सारी एग्जाम्पल, सही है। इस वाली इक्वेशन को देखो। देखो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ जहन में रखो, कैलकुलेटर सॉल्व करने से पहले आपको इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही है। अब जनरल फॉर्म क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताया था सबसे पहले। अब सबसे पहले ये समझ लो कि आप कैलकुलेटर में इक्वेशन को ऑप्शन इनेबल कैसे करोगे, उसके बाद जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो 2 वेरिएबल के अंदर है उसको कैसे इनेबल करोगे। देखो ये आपके पास कैलकुलेटर है, मॉडल मेरे पास केसियो FX-991ES प्लस, ये है सबसे मतलब फेमस मॉडल है कैलकुलेटर का। अगर कोई और है तो उसमें थोड़ा सिस्टम चेंज होगा, सही। जिनके पास ये कैलकुलेटर है वो किस तरह सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीका ये है कि आपके पास एक मॉड का बटन होगा, पहले ऑन कर लेना भाई, ये ना ऑन करने से पहले बटन दबा रहे हो। सबसे पहले क्या करना, ऑन करना, उसके बाद मॉड पर आप लोग क्लिक करोगे। सबसे पहले आपके पास ये 4, 5, 6 ऑप्शन आ रहे होंगे, 8 ऑप्शन है, 6 पे मैट्रिक्स है, 5 पे इक्वेशन है। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आप क्या करो, सिंपल 5 बटन दबा दो, सही है। अब सबसे पहली इक्वेशन देखो क्या उन्होंने लिखा हुआ है, ए एन एक्स प्लस बी एन वाई इक्वल टू सी एन, सही है। आपने सबसे पहले पे जाना, और पहले पे क्यों जाना है वो मैं बताता हूँ, 1 दबा दो क्या। कैलकुलेटर में आपको ये चीज़ मिलेगी, नंबर 1 ऑप्शन पे क्या लिखा होगा, ए एन एक्स प्लस बी एन वाई इक्वल टू सी एन होगा। अब देखो सीन ये है कि रियल में जो स्ट्रेट लाइन होती है ना उसकी जनरल फॉर्म ये होती है, प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये वाली होती है, मतलब सब टर्म आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, राइट हैंड साइड आपकी जीरो होती है। लेकिन अभी हम जनरल फॉर्म नॉर्मल जो हम लिखते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, अब जो कैलकुलेटर में लिखी हुई है ना उसकी जनरल फॉर्म हम बोल रहे हैं, सही है। तो कैलकुलेटर में जो लिखी हुई है वो जनरल फॉर्म ये ए एन एक्स प्लस बी एन वाई इक्वल टू सी एन है। इसमें वैल्यूज इसकी निकालनी है आपको, देखो ए एन बी एन सी एन तो आपके पास कॉन्स्टेंट होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है आपको, सही है। ये चीज़ ध्यान में रखो, जब आपके पास 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, जब 2 वेरिएबल होंगे तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। जैसे 2 वेरिएबल थे तो मेरे पास 2 इक्वेशन है, अगर 2 वेरिएबल हो और सिर्फ मेरे पास 1 इक्वेशन हो मैं उनको सॉल्व नहीं कर सकता, सही। तो 2 वेरिएबल को या 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए मुझे 2 इक्वेशन चाहिए होती है, सही है। तो कैलकुलेटर में आपके पास ये लिखा हुआ है। अब देखो 2 अननोन है तो आप लोगों के जहन में पहली चीज़ आ जानी चाहिए, जब आप कैलकुलेटर में 1 बटन दबाओगे तो आपके पास 2 इक्वेशन का डाटा फीड करना होगा, क्यों, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं तो जाहिर सी बात है 2 इक्वेशन चाहिए। तो इसको आप कोई भी स्ट्रेट लाइन, जो 2 स्ट्रेट लाइन आपके पास होंगी उसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये जनरल फॉर्म है। एन का मतलब ये कि अगर 2 हैं तो एक में A1 होगा, दूसरे में A2 होगा, इस तरह B1, B2, C1, C2 होगा। ये आपके पास इक्वेशन की बिनती, इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, यही एक ही बात है, ये एन की फॉर्म में ये 1, 2 मैंने कर दिया, सही। इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, एक्स और वाई की जो वैल्यू टर्म जो है वो आप लेफ्ट हैंड साइड पर रखोगे, कॉन्स्टेंट को आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दोगे। पहले इक्वेशन में देखो y इधर है तो क्या करो, y की टर्म को इधर ले आओ और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। इसमें पहले ही लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है, क्या करो कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे ले जाओ। अब ये आपकी बिल्कुल इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, सही है, जो कैलकुलेटर की जनरल फॉर्म गिवन थी उसमें कन्वर्ट होगी। अब आप क्या करो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज फाइंड कर लो। किस तरह फाइंड करोगे, a1 x का कोएफिशिएंट a1 हो जाएगा, इधर y का कोएफिशिएंट b1 और कांस्टेंट C1 के आपके पास 11 के बराबर है, सही। फिर A2 10 हो जाएगा, Y का कोएफिशिएंट B2 हो जाएगा और ये कांस्टेंट क्या C2 के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले देखो ये आपको
ए लिखा है उन्होंने, मतलब ये ए का कॉलम है, ये बी का कॉलम हो जाएगा और ये सी का कॉलम हो जाएगा। तो सबसे पहले ए वन की वैल्यू डालो जो आपके बोर्ड पे लिखी हुई है, टू है, सही, टू लिखो। उसके बाद क्या करो, ये इक्वल बटन दबा दो। अब ये ए वन मतलब ए के पहली जो क्या कहेंगे उसको, जो पहली रो जो है ना उसका पहला एलिमेंट आपने फीड कर दिया, सही है। उसके बाद बी वन की वैल्यू माइनस थ्री के बराबर है, माइनस थ्री लिखो। उसके बाद क्या करो, इक्वल बटन दबा दो, सही है। उसके बाद आप सी वन की वैल्यू 11 है तो आप 11 लिखो, उसके बाद इक्वल का बटन दबा दो, सही है। अब आपने ए वन बी वन सी वन की वैल्यू फीड कर दी है। उसके बाद ए टू की वैल्यू आपके पास है 10, तो आप 10 लिखो और इक्वल का बटन दबा दो। फिर आप बी टू की वैल्यू 15 है और इक्वल का बटन दबा दो। और सी टू की वैल्यू जो है वो 20 है, सही है, तो 20 लिखो आप, इक्वल का बटन दबा दो, सही है। तब ये सब हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपने करना है एक और दफ़ा इक्वल का बटन दबाना है, सही है। होगा क्या, सबसे पहले आपके पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 15/4 के बराबर है। ये आपके पास एक अननोन की वैल्यू आ गई। फिर आप दोबारा इक्वल दबाओ, वाई की वैल्यू क्या आ गई, -7/6 के बराबर आ गई। इस तरह आप सॉल्व करोगे किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल के अंदर हो, मतलब एक्स और वाई के अंदर हो। उसका मतलब है दो इक्वेशन चाहिए, दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करोगे, एंड पे आपकी एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, सही है। उसके बाद आपके पास टोटल, मैं आप लोगों को चार टाइप की इक्वेशन जो कैलकुलेटर से आप लोग निकाल सकते हो वो मैं बताऊंगा, सही है, दो इसमें और दो अगली वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लेकिन अब आपकी जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन वो तीन वेरिएबल के अंदर है, एक्स वाई और जेड में, सही है। अब तीन अननोन है एक्स वाई जेड, तो आपको कितनी इक्वेशन चाहिए, तीन नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। याद रखो जब भी जितने अननोन है उतने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। इसमें तीन अननोन है इसका मतलब है आपको तीन इक्वेशन चाहिए। उसके बाद जब आप ऐसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालो जिनके अंदर तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो उसको कैलकुलेटर से किस तरह सॉल्व करोगे, आप सिंपल मॉड में जाओ, वही फाइव इक्वेशन पे जाओ और टू पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए एन एक्स प्लस बी एन वाई प्लस सी एन जेड इक्वल टू डी एन, सही है। तो आप क्या करोगे, टू पे बना दो, टू पे करोगे तो आपके पास क्या हो गया, देखो ए वन मतलब ए का कॉलम जो है उसकी तीन है, तीन रॉज आ गई हैं आपके पास, सही है। बी के कॉलम में आपके पास तीन रॉज हैं और सी के कॉलम में आपके पास तीन रॉज हैं। आप कैलकुलेटर में जो लिखी हुई है वो ये वाली लिखी हुई है, सही है। इसमें आपने क्या करना है, तीनों इक्वेशन को अपनी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये फॉर्म क्या है कि एक्स वाई जेड वही लेफ्ट हैंड साइड पर रहेंगे और जो भी कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो राइट हैंड साइड पर रहेगी आपके, सही। अभी आपके पास ये वाली इक्वेशन है, सही, इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास जनरल फॉर्म में हमने एन एन लिखा हुआ है, सही। अगर तीन इक्वेशन होंगी तो 1 2 3, मतलब ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, और इसी तरह डी वन में क्या होगा, डी वन डी टू डी थ्री आपके पास आ जाएगा, सही। किस तरह कन्वर्ट करोगे, जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। ये तो आपके ऑलरेडी कन्वर्टेड है, सही है। इसमें देखो जो वेरिएबल जेड है वो उधर लिखा हुआ, तो उसको क्या करो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो माइनस जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब जो आपकी तीनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई जो कैलकुलेटर में है आपके पास, सही है। अब आप क्या करो, सिंपल ए वन बी वन सी वन डी वन जितने भी है ना जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज निकाल लो। ए वन क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 के बराबर। वाई का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो बी वन 2 हो जाएगा। और जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 हो जाएगा, सही, सी वन 1 हो जाएगा। इधर सी टू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। इधर सी थ्री क्या होगा, -1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह ए टू 2 के बराबर और ए थ्री 1 के बराबर। बी टू आपका -1, बी थ्री 1 के बराबर होगा। डी वन 8, डी टू 3 और डी थ्री जो होगा वो 0 के बराबर होगा। जब आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी आप क्या करोगे, कैलकुलेटर में पुट करोगे, कैलकुलेटर में वही जिस तरह आपने पहले पुट किया था। सबसे पहले ए वन की वैल्यू आपके पास है, ए वन बी वन सी वन है 1 2 1 8, तो आप क्या करो 1 2 फिर 1 दबाओ इक्वल, फिर 8 दबाओ इक्वल, ये पूरी पहली रो आपने पुट कर दी। उसके बाद ए टू बी टू सी टू और डी टू आपके पास है 2 -1 1 3, उसके बाद आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और दफ़ा इक्वल का बटन दबाना पड़ेगा। तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, एक और इक्वल दबाओ, वाई की वैल्यू क्या आ गई 2, एक और दफ़ा इक्वल दबाओ, जेड की वैल्यू क्या आ गई 3 के बराबर आ गई। तो जब आप लोग पुट कर दोगे कैलकुलेटर में तो आपके पास सिंपल क्या वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स 1 वाई 2 जेड 3 आ जाएगी, सही। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, ज़रूरी नहीं कि आपके पास इक्वेशन एक्स वाई जेड की फॉर्म में तभी आप ही कैलकुलेटर यूज़ करोगे, भाई कुछ भी अननोन हो सकते हैं। जो सेकंड ईयर है चैप्टर नंबर 7 सर्किल की इक्वेशन में हमने इस तरह वाले अननोन भी देखे हैं, जैसे 2f + 2g + c
इक्वल टू वन, इस टाइप की इक्वेशन भी है जिन्होंने सेकंड ईयर पढ़ लिया वो जानते हैं, सही है। मतलब किस में, एफ जी सी में, फिर एक हो जाएगी एफ और थ्री जी माइनस सी इक्वल टू टू, फिर एफ फोर जी माइनस टू सी इक्वल टू थ्री है, सही है। अब इसमें आप देखो अननोन आपके पास क्या है, एफ जी सी, तो ये मैटर नहीं करता, आपके अननोन हमेशा एक्स वाई जेड होंगे, सही है, और सी हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। मतलब सी वन ये नहीं हम हमेशा लेंगे कि मतलब ये हर इक्वेशन पे डिपेंड करता है, इसमें सी वन क्या था, जेड का कोफिशिएंट, इसमें सी आपके पास अननोन है, सही है। तो इस टाइप की इक्वेशन को आप किस तरह सॉल्व कर रहे हो कैलकुलेटर में, इसमें आपके पास अननोन क्या है, एफ जी और सी, इन अननोन के साथ जो इनके कोफिशिएंट है वो आप लिख दोगे। जैसे ए वन क्या हो जाएगा, टू के बराबर, बी वन हो जाएगा टू के बराबर, सी वन क्या हो जाएगा, सी का कोफिशिएंट क्या है, वन। इसी तरह ए टू जो होगा एफ का कोफिशिएंट वन है, बी टू आप थ्री ले लेना, और सी टू क्या लोगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन के बराबर है, सही है। और डी वन वन, डी टू टू और डी थ्री थ्री के बराबर ले लोगे, सही है। एक और चीज़, अगर आपके पास लेट से इस टाइप की इक्वेशन हो, तीसरी इक्वेशन जो हो ना उसमें जेड ना हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल है जेड ना हो, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। जब जेड नहीं है तो मैं जीरो जेड लिख सकता हूँ ना, सही है। अब जो मैं ए सी थ्री जो पुट करूंगा, सी थ्री मेरे पास क्या था, माइनस वन था ना पहले, अब सी थ्री मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, और डी थ्री तो पहले जीरो है, सही। तो अगर कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है सिस्टम, आप मतलब दो इक्वेशन में प्रेजेंट है तीन वेरिएबल, और एक इक्वेशन में आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल है, तो जो मिसिंग वेरिएबल होगा ना उसका कोफिशिएंट आपने क्या लेना है, जीरो के बराबर ले लेना है, सही है। तो फिर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, सही है।